हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में अगले 48 घंटे के लिए बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सैलानियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम का अनुमान लगाकर ही हिमाचल प्रदेश आएं। हिमाचल प्रदेश इन दिनों भारी बर्फबारी से जूझ रहा है। पूरे राज्य में करीब 500 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। भारी बर्फबारी की वजह से 1,757 ट्रांसफार्मर्स ठप हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। शिमला जिला बर्फबारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। कुल्लू, चंबा, सिरमौर, सोलन, मंडी, किन्नौर, लाहौल स्पीति और कांगड़ा में ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में अगले 24 घंटे में भी भारी बर्फबारी की आशंका जताई है। 12 जनवरी से मौसम साफ रहेगा। 13 जनवरी को पूरे हिमाचल प्रदेश में मौसम के साफ रहने का अनुमान है। शिमला में रविवार को दिन भर रुक रुक कर बर्फबारी होती रही, जिससे शहर की अंदरूनी सड़कें और रास्ते जाम हो गए। वहीं अपर शिमला के कई हिस्सों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया। शिमला से सटे कुफरी और खदराला में करीबन 55 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई। डलहौजी में 30, सांगला में 28, कल्पा में 22, कोठी में 20 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। शिमला में ही राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक साथ मौसम की पहली बर्फबारी का आनंद लिया। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ राजभवन परिसर का दौरा भी किया। जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग में 3 फीट जबकि बनिहाल में 2 फीट बर्फ गिरी है। जम्मू कश्मीर में 5 दिन तक हुई बारिश और बर्फबारी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया था। अभी भी प्रदेश की सड़कों के 600 किलोमीटर के हिस्से पर बर्फ पड़ी हुई है। पूरे प्रदेश में सड़क मार्ग को दुरुस्त करने के लिए मशीनरी लगाई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 13 जनवरी तक मौसम साफ हो पाएगा। इस बीच गुलमर्ग में तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल रात 8:30 बजे 4.2 इंच बर्फबारी के साथ 0.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। गुलमर्ग में पिछले 2 दिनों के दौरान 3 फीट ताजा बर्फबारी हुई, जहां तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान -10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पहलगाम में 2 फीट बर्फ गिरी और तापमान 0 से 1.8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनिहाल में 2 फीट बर्फ गिरी है। जवाहर सुरंग के काजीगुंड में 3-4 फीट बर्फ जमा है और तापमान 0 से 0.4 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनिहाल में 2 फीट बर्फ गिरी है और तापमान 0 से 4.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। राजमार्ग पर मौजूद बटोटे में 2.5 फीट बर्फ जमा हुई और न्यूनतम तापमान 0 से 1.8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।